स्वामी श्रद्धानंद पहले मुंशी राम के नाम से जाने जाते थे, किंतु चमत्कारिक परिवर्तन ने उन्हें दुरात्मा से सदात्मा बना दिया। स्वतंत्रता तथा समाज सेवा में अपना जीवन अर्पित करने वाले इस महान व्यक्ति को उनके गुणों के कारण ही जाना जाता रहेगा। परिवर्तित हो गया और आगे चलकर ही उनको स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जाना गया। समाज सेवा, धर्म सेवा और देश सेवा उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति और आर्य जाति की रक्षा के लिए मर्रा सन अवस्था से उसे पुनः प्राणवान और गतिवान बनाने के लिए और उसे सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाने के लिए आर्य समाज ने सैकड़ों बलिदान दिए हैं। और उसमें प्रथम पंक्ति के प्रथम पुष्प हैं स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। उन्होंने अपनी जान की परवाह के बगैर खुद को देश समाज के लिए समर्पित कर दिया। धर्म, संस्कृति और देश में बलिदान होना बहुत बड़ा कर्म माना जाता है और यह सब और भी बड़ा होता है हो जाता है जब यह महान कर्म बगैर किसी स्वार्थ के किया जाए। ऐसे ही स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती निस्वार्थ काम करने वाले महान धर्म कर्म योद्धा थे। स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देते मातृभूमि की सेवा की और अपने खून से भारत का इतिहास लिखा, ऐसे थे हमारे महान पुरुष श्रद्धानंद स्वामी। जय हिंद, जय भारत। स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म 22 फरवरी 1856 ईस्वी में हुआ था। वह भारत के शिक्षाविद, स्वतंत्र संग्राम सेनानी तथा आर्य समाज के सन्यासी थे। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की शिक्षाओं का प्रसार किया। उन्होंने अपना सारा जीवन स्वाधीनता, स्वराज तथा वैदिक धर्मों के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। उन्होंने गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने भारत के हिंदू समाज के को संगठित करने के लिए अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपना सारा जीवन देश कल्याण में समर्पित कर दिया। 29 दिसंबर 1926 में उनके निवास स्थान पे एक उन्मादी ने गोली मारकर स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी। श्रद्धानंद जिन्होंने अपने प्राणों की आयुधि देकर मातृभूमि की सेवा की और अपने खून से भारत का इतिहास लिखा। समाज का पहला नियम जो सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। सचिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम है सत्य को ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने में सर्वदा उदित रहना चाहिए। आर्य समाज का पांचवा नियम सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। संसार को उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। आर्य समाज का सातवां नियम सबसे प्रीति पूर्वक धर्म अनुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए।
आर्य समाज का आठवां नियम हमें अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नियम 9, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए बल्कि सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। नियम 10, मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पाले में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। जो देश के खातिर जी।